हेलो गाइस, तो फ्रेंड्स जैसा सबको पता चल गया होगा कि मी रूम का नया अपडेट गाइस आउट हो चुका है 9.6.5। जो अपनी मी रूम है, बहुत टाइम हो गया, टाइम नहीं महीने हो गए, ढाई तीन महीने हो गए। पिछला आपका विंटर में आया था अपडेट, आया था जनवरी फरवरी में आया था, तो बहुत टाइम हो चुका है 9.6.5। अब नया अपडेट आया आपका मी रूम का, तो कैसे उसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉलेशन सेम है, लेकिन जिससे नहीं आता तो वीडियो गाइस तभी बनाता हूँ। तो नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है अखिल और मेरे चैनल का नाम है स्मार्टफोन टेक्नो। गाइस जिसने तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और एज ऑलवेज अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और वीडियो को शेयर करना भी मत भूलना। सो गाइस हाथ में नहीं है मैंने, तो अब TWR में बूट करते हैं। सो फ्रेंड्स TWR में बूट हो चुकी है फटाफट, यहाँ पे कॉस्मिक डन की चढ़ी हुई है, तो फटाफट हम सबसे पहले TWR पे ऑडियो फ्लैश कर लेते हैं। ये रहा आपका ऑडियो, कन्फर्म टू फ्लैश। सो फ्रेंड्स बोर्ड फ्लैश हो चुकी है, फटाफट रिबूट टू रिकवरी कर लेते हैं यहाँ से। फ्रेंड्स सब कुछ यहाँ पे हो चुका है ओके, कॉस्मिक डन की हट चुकी है रिकवरी, जो मोहन सी एम की लग चुकी है। तो यहाँ से हमने वाइप करना है, एडवांस वाइप, डेलबिक सिस्टम डेटा ओनली, नॉट यू टू सिलेक्ट इंटरनल स्टोरेज बिकॉज इट इज़ नॉट मैंडेटरी। एंड वन मोर थिंग गाइस, बिफोर फ्लैशिंग दिस रोम यू हैव टू फ्लैश ये डेटा, तो आपको करना पड़ेगा गाइस। अगर जिसने ये डेटा फ्लैश नहीं करा है तो you have to flash your data, if you have flash your data then you can flash this room anywhere room guys। so आप सबसे पहले कन्फर्म टू वाइप कर लेते हैं यहाँ से। इंटरनल स्टोरेज हमने छोड़ा हुआ है गाइस, फैक्ट्री रिसेट, इंस्टॉल गाइस, और इंस्टॉल में जहाँ भी आपने अपनी वो रखी हुई है रूम, तो मैंने इंटरनल स्टोरेज में रखी हुई थी फ्रेंड्स, इंटरनल स्टोरेज में ओके, वेट अ मिनट। सो गाइस ये रही आपकी मेगा, मैंने मेगा डाउनलोड्स, ये रही आपकी मी रूम 9.6.5 8.1 ऑडियो। तो लेटेस्ट अपडेट है, बिल्कुल बहुत बढ़िया कि जो डेवलपर अपने इगोर वो कोशिश कर रहे हैं इसको थोड़ा ऑप्टिमाइज करने के लिए MIUI को फॉर मी वन गाइस। सो अच्छी बात है, अब यहाँ से कन्फर्म टू फ्लैश कर लेते हैं और वेट करते हैं गाइस। फ्लैशिंग सिस्टम ए, फ्लैशिंग अभी सिस्टम भी होगा, थोड़ा गाइस थोड़ा टाइम लगेगा यहाँ से। और अच्छी बात है, रिव्यू की वीडियो आपको मिल जाएगी गाइस, जो अपना नया यस्टरडे मैंने वीडियो बनाई थी न्यू GSI की, तो उसका भी रिव्यू आपको मिल जाएगा। तो अभी थोड़ा बिजी है, मी रूम आ गया बीच में, तो आज उसका आपको रिव्यू का मीडिया मिल जाता है, क्योंकि सुबह मैंने दो वीडियो गाइस आज अपलोड कर दी, एक पोको के ऊपर जो उसका अपडेट आया था, उसके ऊपर उसका रिव्यू डाला था। तो आपको जो GSI यस्टरडे मैंने वीडियो बनाई थी उसका कल आपको मॉर्निंग में रिव्यू मिल जाएगा, अगर मॉर्निंग में नहीं मिलेगा तो पक्का आपको इवनिंग तक उसका रिव्यू मिल जाएगा। तो ठीक है, सिस्टम यहाँ पे फ्लैशिंग सिस्टम भी हो रहा है, क्योंकि मुझे बहुत यूज़ ने कहा था कि भाई इसका रिव्यू ज़रूर देना, जो ये एक GSI क्या क्या इसमें फंक्शनैलिटी है, क्या क्या वर्किंग है, क्या क्या बग्स है, तो उसका प्लीज़ रिव्यू ज़रूर देना। तो ऑब्वियसली गाइस कल तक आपको इस चीज़ का रिव्यू मिल जाएगा, तो लेट्स सी, क्योंकि अब इसका भी रिव्यू डालना पड़ेगा तो थोड़ा टाइम लगेगा। इस कोशिश करूँगा कि कल मॉर्निंग में डाल दूँगा और इसका इवनिंग में डाल दूँगा। उसके बाद जो मियन की वीडियोस है 7 डेज कम्प्लीट, फिर पोको F1 की वीडियोज आएगी गाइस। सो फ्रेंड्स जो आपकी रोम है फ्लैश हो चुकी है फटाफट यहाँ से, हम जो भी अगर आपको इफ़ यू वांट टू रूट योर डिवाइस यू कैन फ्लैश मैजिक आफ्टर द रोम हैज़ बीन फ्लैश सक्सेसफुली गाइस। तो अगर आपका रोम फ्लैश हो चुकी है तो आप यहाँ से मैजिक यू कैन फ्लैश इफ़ यू वांट टू रूट योर डिवाइस। सो वी आर नॉट रूटिंग गाइस, रिबूट टू सिस्टम। फ्रेंड्स मी रूम का जो आपका लोगो जो बूट लोगो है वो आ चुका है, अप्रॉक्सीमेटली इधर से 8 मिनट्स और लेगा इसको फ्लैश होने में, थोड़ा टाइम गाइस यहाँ से लगेगा फ्रेंड्स। सो लेट्स सी क्या होता है। अब यहाँ पे थोड़ा रशियन में लिखा हुआ है, जो लैंग्वेज है ये रशियन में लिखी है गाइस, सो थोड़ा टाइम लगेगा यहाँ से। सो वेट करते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा वीडियो नहीं बनेगी लंबी अभी 3.47 के, तो लेट्स सी गाइस। और जो भी अगर आपको कुछ पूछना है यू कैन आस्क मी फ्रॉम टेलीग्राम और यू कैन आस्क मी ऑल्सो फ्रॉम कमेंट सेक्शन ऑल्सो, सो मुझे पूछना तो यू कैन आस्क मी गाइस। सो गाइस फाइनली रोम बूट हो चुकी है आपकी फटाफट, बहुत स्मूथ हो गई है पहले से, जो एक बार लैंग्वेज चेंज कर लेते हैं ऐसे बहुत स्मूथ है। और फटाफट इसके बाद इनिशियल सेटअप स्किप कर लेते हैं फटाफट, और आपका यहाँ पे ऊपर से जो वोल्टेज अभी लोगों चेंज हो गया तो बहुत स्मूथ है। अब इनिशियल सेटअप पे लैग नहीं हो रही है गाइस, बिकॉज वी हैव फ्लैश्ड योर डेटा बिफोर फ्लैशिंग दिस रोम, सो दैट्स व्हाई द रोम इज नॉट लैगिंग एट इनिशियल सेटअप गाइस। सो अभी लाइट नहीं है तो मेरा वाईफाई बंद हो रहा है, तो अभी इसको स्किप कर लेते हैं फटाफट। सो लाइट भी आ चुकी है फ्रेंड्स, और हम होम स्क्रीन पे पहुंच चुके हैं फ्रेंड्स, और बहुत सही है, आपको यहाँ पे कोई दिक्कत आपको फ्रेंड्स इधर नहीं आएगी। सो गाइस आपका रोम होम स्क्रीन पे पहुंच चुकी है, लेआउट मुझे जो लेआउट है मुझे थोड़ा बहुत बढ़िया लगा है,
और ठीक है गाइस, रोम में आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी रोम है, इफिशियंट है और एज़ कम्पेयर टू शॉमी डॉट यू तो ऑब्वियसली गाइस अच्छी, लेकिन शॉमी डॉट यू स्टेबल के लिए बहुत अच्छी जानी जाती है। तो मुझे बहुत लोग इसे पूछते हैं भाई शॉमी डॉट या मीरोम या फीचर्स के लिए कौन सी, फीचर्स के लिए तो मीवाई प्रो है एज़ ऑलवेज, जो सबको पता है, और इन दोनों में लड़ाई है गाइस, जो आपकी मीरोम है और ये आपकी शॉमी डॉट यू। तो इन माई ओपिनियन गाइस, इफ़ यू आर गोइंग फॉर स्टेबल ऑप्टिमाइज एवरीथिंग ओके, सो यू कैन गो फॉर शॉमी डॉट यू और यू कैन गो फॉर मीरोम फॉर 50-50, इंक्लूडिंग फीचर्स ऑल्सो, इंक्लूडिंग स्टेबिलिटी, इंक्लूडिंग बैटरी बैकअप, एवरीथिंग। सो यू कैन गो फॉर मीरोम ऑल्सो गाइस। और यहाँ पे आपका 9.6.5 का अपडेट है MIUI 10 का मीरोम का फ्रेंड्स, ये आपको सब कुछ यहाँ पे दिखा रहा है, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। यहाँ पे एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच 4 है, वो इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो हमेशा मैं कहता हूँ, वो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ की। और 9.6.5 बीटा है MIUI 11 गाइस। आज के लिए इतना ही, लाइक सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना मत भूलना। गो एंड फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट टू जॉइन माय टेलीग्राम ग्रुप and don't forget to like, subscribe and share this video. The link of this room you will get in the description, including telegram group also. Okay guys, bye. Jai Hind, Vande Mataram.